राज्यसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी रजनी ताई पाटिल ने आज विधानसभा में महाविकास अघाड़ी के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। मावियन नेताओं ने कहा है कि चूंकि महाविकास अघाड़ी के पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए रजनी ताई पाटिल को बहुमत से चुना जाएगा। इस समय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, विधायक दल के नेता और राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट, राकंपा नेता, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, शिवसेना नेता और शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, लोक मंत्री अशोक चौहान, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, पशुपालन मंत्री सुनील केदार उपस्थित थे।